हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक, आप सभी का स्वागत है SPS विद्यालय स्टडी में। बेटा आज हम पढ़ाएंगे क्लास फोर्थ का साइंस और उसमें हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट फूड आवर बेसिस नीड। ठीक है ना बेटा, लास्ट टाइम में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे देखेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए, एक एक पॉइंट को लिखते हुए, नोट्स को तैयार करते हुए और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। तो जहाँ पे लास्ट टाइम आप लोग पढ़े थे उसके आगे देखेंगे। ठीक है, और है रफ एज एंड वाटर, रफ एज एंड वाटर। ठीक, रफ एज एंड वाटर। बेटा रफ एज एंड वाटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बेटा रफ मीन्स होता क्या है, रफ एज मीन्स होता क्या है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेटा हिंदी में अगर मैं बोलूँगा बेटा, इसे कहते हैं चारा, है ना। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा चारा बोलते हैं, है ना, जो गाय वगैरह एनिमल्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, चारा। और वाटर में तो जानते ही होंगे बेटा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड सीरियल। सीरियल मीन्स होता बेटा अनाज, है ना, कंटेन्स रफ एज, है ना। और डायरेक्टरी फाइबर्स, है ना, डेट कैंट बी डाइजेस्टेड बाई आवर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना बेटा, ये फाइबर जो फूड होता है ना बेटा, जैसे प्लास्टिक वाले जो फूड होते हैं बेटा, वो हमारे बॉडी में कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कई बार कई गाय पॉलीथीन खा के मर जाती हैं। ठीक है, है ना, क्यों मर जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें कभी डाइजेस्ट ही नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, ये कभी कॉन्ट भी डाइजेस्टेड। ठीक है, कभी भी ये डाइजेस्ट नहीं होती हैं। ठीक, इट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ और डाइजेस्टिव सिस्टम्स, है ना। इट इज इम्पॉर्टेंट, और डाइजेस्ट होना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करे, प्रॉपर वर्क करे। ठीक है, हर खाना को डाइजेस्ट करना, अगर हम खाना खाते हैं उस चीज़ को डाइजेस्ट करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फंक्शन होता है, उसका प्रॉपर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम कुछ खाएंगे और वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। इसलिए अगर हम मान लेते हैं फाइबर फूड खा रहे हैं बेटा, तो वो कभी भी हम डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब भी करेगा, डिस्ट्रॉय भी करेगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या होगा, होगा ही नहीं उसमें। ठीक, इट हेल्प्स इन रिमूव वास्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। देखो बेटा, ये हेल्प भी करता है क्या, हम जो हम ये हेल्प करता है रिमूव करने में, हटाने में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो बर्बाद बेकार सी चीज़ें होती हैं, उसे हटाने में ये मदद भी करता है। आगे देखते हैं, वाटर इज इनिशियल फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस, है ना। वाटर क्या होता है, वाटर हमारे बॉडी फंक्शन में, हर एक बॉडी फंक्शन में हमारा बहुत वर्क करता है बेटा, है ना। आपको ऐसा कोई वर्क होता ही नहीं है आपके बॉडी का विदाउट वाटर हो जाए। ठीक है, तो वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, है ना। थ्री फोर्थ का मतलब होता है बेटा 3/4, राइट। थ्री फोर्थ ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारे बॉडी का, किसी भी बॉडी का, है ना, किसी भी बॉडी का, यानी कि ह्यूमन बॉडी का, अगर हम 3/4 उस वेट का, हमारे बॉडी के वेट का 3/4 कितना होता है, वाटर, है ना। बाय द वे, अगर आप मान लेते हैं आपके बॉडी का वेट, 20 किलोग्राम है ना,
तो आप इसका 3/4 निकाल लीजिए, तो यहाँ से कैंसिल कर दो, ये आएगा 5 टाइम्स में 15, यानी कि 15 किलोग्राम लगभग लगभग आपके। एक बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना, ऐसा कहा गया है 3/4 वाटर है ना, यानी कि 15% आपका क्या है, 15% बॉडी है, तो 5% वहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वाटर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इट। तो आगे देख लेते हैं, 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। वाटर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर फूड जो खाना खाते हैं आप, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा, उसको पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है बेटा। अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम किसी भी खाने को खाकर पचा नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है किसमें, किसी भी फूड को खा के पचाने में। इट ऑल्सो हेल्प इज रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, है ना, और ये ख़राब चीज़ों को रिमूव करने में काफ़ी मदद होता है, मददगार होता है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी चीज़ खाएं, उसमें बहुत सारे जैसे ऑयली पदार्थ होता है, तो हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, हमारे अनदर बॉडी को भी बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाता है, बहुत ऑयली जो है कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्टली वो होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, तो वो क्या करता है, वाटर रिमूव करता है, उसे रिमूव करने में हेल्प भी करता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा बात, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, वी शुड ड्रिंक पैटर्न ऑफ वाटर एवरी डे, प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। हम इसको क्या करते हैं, डेली तो पीते हैं, डेली तो पीते हैं बेटा, पानी आप डेली पीते होंगे, बिल्कुल पीते हैं, ठीक है, और उससे हमारा हेल्थ क्या होता है, अच्छा होता रहता है। तो बेटा कुछ नौ यहाँ पे वो ट्रू फॉल्स हैं, उसको देख लेते हैं, है ना, कुछ ट्रू फॉल्स हैं नॉलेज चेक करने के लिए। तो चलिए समझ में आ जाता है, यानी कि रफेज एंड वाटर, ये दोनों चीज़ मैंने बता दिया कि आपको कभी फाइबर फूड नहीं खाना चाहिए। फाइबर फूड मतलब जैसे बेटा हो गया, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं फाइबर फूड में, है ना, आजकल फाइबर का राइस भी आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उसे चाइनीज़ राइस भी बोला जाता है। तो वो सब खाने से हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है ना, और वाटर उसमें बहुत हेल्प करता है बेटा। वाटर जो है आपका ऑयली वेस्टेड जो मटेरियल होता है उसको रिमूव करने में बहुत मदद करता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी काफ़ी अच्छा बनाता है, ठीक है। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने आपको विथ रीडिंग आपको डिस्कस कर दिया, है ना, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लिखी नहीं जा सकती हैं, लेकिन उन्हें पढ़ के समझी जा सकती हैं, ठीक है, और अपने भाषा में इसे लिखा भी जा सकता है, अपने लैंग्वेज में। तो बेटा मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अगर मैंने ये सारी बातों को आपको बता दिया, इनका वर्क बता दिया, ये कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, किस चीज़ पे हमारे बॉडी पे, हमारे बॉडी के किस पार्ट पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, है ना, और इनका फ़ायदा भी क्या है, तो आप बेटा इजीली इसको बता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए कुछ बेटा नॉलेज चेकिंग का वो चल रहा है, क्वेश्चंस हैं, कुछ चेक कर लेते हैं फटाफट आपका नॉलेज, है ना। नॉलेज चेक, चलो बेटा नॉलेज चेक करते हैं हम लोग। स्टेट ट्रू एंड स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक। तो यहाँ पे बेटा आपको सही या गलत बताना है ना। तो चलिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट बुल्ट और मसल्स, है ना,
बेटा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे मसल्स को बढ़ाता है, क्या ये सही है? चलिए जल्दी से बता दीजिए बेटा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप इस चीज़ को जल्दी से बताइए। कार्बोहाइड्रेट बूस्ट और मसल्स, जल्दी बताओ बेटा। चलिए जल्दी बता दीजिए आंसर क्या आने वाला है। कार्बोहाइड्रेट्स बुल्स और मसल्स, तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है ना, प्रोटीन्स एक सोर्स होता है, उसकी ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल ये फाल्स है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल फाल्स है। ठीक है बेटा, अब यह स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, इसको जल्दी से हम कर लेंगे नोट और फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसको करेंगे इरेज, सेकंड वाले प्रॉब्लम पे आएंगे बेटा। ठीक, सेकंड वाले प्रॉब्लम पे आएंगे। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव फूड्स, बताओ बेटा सही है या गलत। मिनरल्स जो होते हैं एंड जो विटामिन्स होती हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षित करती हैं बेटा, तो क्या ये सही है बेटा कि मिनरल्स जितने भी हैं और विटामिन्स जितने भी हैं ए बी सी डी है ना, सारी विटामिन्स वो बेटा हमारे बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षित करती हैं। अगर बेटा मान लेते हैं है ना, आप ये बताओ ऑरेंज में कौन सी विटामिन्स पाई जाती हैं, ऑरेंज ऑरेंज में बेटा कौन सी विटामिन पाई जाती है, ऑरेंज में कौन सी विटामिन पाई जाती है, आप का होमवर्क है, आप मुझे ये लिख कर बताएंगे, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप इसको बताएंगे है ना, पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए है ना, आप बताएंगे ऑरेंज में कौन सी विटामिन पाई जाती है ना, तो इसको बताएंगे स्कूल के कमेंट बॉक्स में, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको व्हाट्सएप करेंगे आंसर लिखकर। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो ये बेटा बिल्कुल देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स, हमारे बॉडी को ये क्या करती हैं, ये बहुत ही सुरक्षित फूड है ऐसा कह सकते हैं, तो बिल्कुल ये सही है बेटा, इनमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सत्य है, ये बेटा बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक बेटा, चलो थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाओ, थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाओ फटाक से है ना, थर्ड प्रॉब्लम पे आओ, थर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं बेटा क्या कह रहा है। रफेज इज नॉट गुड ऑफ हेल्थ फॉर हेल्थ, रफेज
इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. चलो, रफ एज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. रफ एज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. रफ एज rough age is not good for health. rough age is not good for health. जल्दी बताओ बेटा, क्या आने वाला आंसर? अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, जो फाइबर, इसे फाइबर फूड भी बोलते हैं बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है. फाइबर फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल सही है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा, ये ट्रू ही होगा, है ना? ये बात बिल्कुल सही है. प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब बेटा खाना कितना गंदा है, हमारा हेल्थ कितना डिस्ट्रॉय होता है बेटा, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. ठीक, इन सारी बातों को आप जानते भी होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं. जल्दी नोट करो बेटा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्या बोल रहा है? एग आर ए सोर्स ऑफ प्रोटीन. एग आर ए, एग आर ए सोर्स ऑफ प्रोटीन. एग आर ए सोर्स ऑफ प्रोटीन. अंडा क्या है बेटा? सोसिन का प्रोटीन का सोर्स है. अंडा क्या है? प्रोटीन का सोर्स है. जल्दी बताइए, आप सभी लोग खाते भी होंगे, और जो लोग नहीं खाते हैं वो भी बताएं, क्या एग जो है प्रोटीन का सोर्स है? एग आर ए सोर्स ऑफ प्रोटीन. एग आर ए सोर्स ऑफ प्रोटीन. एग आर ए सोर्स ऑफ प्रोटीन. अंडा एक सोर्स है प्रोटीन का, है ना? तो ज़रा बताइए, यहाँ पे आंसर बिल्कुल होगा यस, ये ट्रू है, सत्य है बेटा, ये एक सोर्स है प्रोटीन का, है ना? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा. इन सारी बातों को याद रखिए. ठीक, चलिए बेटा, तो मैंने ये तो करवा दिया, अब हम बात करते हैं बेटा बैलेंसिंग डाइट.
है ना, बैलेंसिंग डाइट, इसको इरेज कर रहे हैं, बैलेंसिंग डाइट, बेटा नाम से ही पता चल रहा है, डाइट उतना ही लो जितनी आवश्यकता हो, है ना, डाइट उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो, बैलेंस्ड डाइट या बैलेंसिंग डाइट। चलिए बेटा एक बार इसको समझ लेते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि खाते जाते हैं, है ना, बहुत सारे चीज़ों को खा जाएंगे, उन्हें अंडा दे दो अंडा भी खा लेंगे, मछली दे दो मछली भी खा लेंगे, उसके बाद मीट दे दो मीट भी खा लेते हैं, एंड वेज नॉन वेज दोनों खा लेते हैं, ठीक है, और इतना खा लेते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि अगले दिन क्या सीन होने वाला है, ठीक है बेटा। तो डाइट भी हमारी होनी चाहिए एक बैलेंस करके होना चाहिए कि हमारी बॉडी जितने में हमारी बॉडी जितना डाइजेस्ट कर जाए, ठीक है, उतना ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी अच्छा खाना बन गया तो लाओ 40-50 रोटी खा लें, है ना, तो ये गलत होता है। हमारी बॉडी पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आपको बता दें कि एक अगर आप एक बार चिकन खा लेते हैं तो वो लगभग 3-4 दिन में हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाती है। ज़रा सोचिए, हमारी बॉडी एक बार चिकन खाने के बाद 3-4 दिन में उसको डाइजेस्ट कर पाती है, और उसके बाद हम जैसे ही खाते हैं अर्ली मॉर्निंग फिर खा लेते हैं, अगले दिन फिर खा लेते हैं क्या खाना, तो अभी तो पहले दिन का तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अगले दिन का कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारे कहने का मतलब ये है बेटा कि उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी डाइजेस्ट हो सके। अब आपको मैं कह दूँ बेटा, आज पूरे दिन में पूरी किताब ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ना है चाहे जैसे, नहीं तो अगले दिन बहुत पिटोगे। तो बेटा क्या आप ये पॉसिबल हैं, कर पाओगे? उसी तरह किसी भी चीज़ को उतना ही लोड देना चाहिए जितना कि वो उसमें सर्वाइव कर जाए, है ना, उस चीज़ को झेल पाए। तो इसी तरह बेटा हमारी बॉडी भी एक प्रकार की क्या है, एक मशीन है, और उसे हम उतना ही वर्क देंगे जितना वो एक दिन में कर ले, ठीक है। तो डाइट बहुत ज़रूरी है, डाइट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना, किसी भी चीज़ की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर बैलेंसिंग नहीं हुआ तो वो गिरेगा ज़रूर, और जब गिरेगा ज़रूर तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं आगे, बैलेंसिंग डाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा। ये टॉपिक का नाम ही वह है बैलेंसिंग डाइट, हमें क्या बैलेंसिंग डाइट लेना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ नॉन वेज ही खाना चाहिए। आप एक पढ़ने का बेटा शेड्यूल बनाते हो ना, पढ़ने का पूरा टाइम टेबल बनाते हो ना बेटा, सेम खाने का भी टाइम टेबल बनाना चाहिए। हमें नाश्ते के साथ क्या लेना है ना, हमें उसके बाद फिर दोपहर के खाने के साथ क्या लेना है, उसके बाद शाम को क्या लेना है, फिर डिनर में क्या लेना है, ठीक है बेटा। इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए एक लिमिटेड खाना खाना चाहिए। देखो बेटा एक बात बताएं, जितना जो कम खाता है ना उसका माइंड उतना ही शार्प होता है बेटा। अब ऐसा नहीं कि हम खाएंगे ही नहीं, बिल्कुल हमारे बॉडी को एनर्जी की भी ज़रूरत है, उस एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए हमें बैलेंसिंग डाइट की ज़रूरत बहुत ही होती है। तो चलिए बेटा देखते हैं बैलेंसिंग डाइट होता क्या है, ठीक है। ए बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिशंस, है ना बेटा। ए बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट को रखने के लिए हमें एक अमाउंट में, एक अच्छे अमाउंट में हमें सारे न्यूट्रिशन को लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, बैलेंसिंग डाइट में सबसे पहला चीज़ आता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत ही ख़राब भी होती है, और कोई भी चीज़ ज़्यादा बहुत ही ख़राब होती है। सेकेंड है बेटा प्रोटीन्स,
प्रोटीन्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बेटा, अभी मैंने आपसे पूछा अगर, है ना बेटा, आजकल देख रहे हैं प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जा रही है। छोटे छोटे बच्चे जो है उनको आँखों पे चश्मा लग जाता है, और उसके बाद फिर बेटा हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे यंगेस्ट भी हैं जिनको, जिनके सर में बाल नहीं है बेटा, ये सारी कमी क्या है, प्रोटीन्स की कमी ही है। ठीक है बेटा, तो हम क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बेटा हम बैलेंस डाइट कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, हमें जो मिल गया खा लिए, इतना खा लिए कि उसका कोई लिमिट नहीं है, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बेटा, और उसमें हम उसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, है ना, एंड मिनरल्स। बेटा इन सारी बातों को ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इन सारी को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, इन सारे न्यूट्रिशन को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए, तभी हम एक अच्छे डाइट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ इट ऑल्सो इंक्लूडिंग डायरेक्टरी फाइबर्स एंड वाटर, और ये पहले से इंक्लूड है डायरेक्टरी फाइबर्स में और वाटर में। बैलेंसिंग डाइट इज ए इनिशियल एंड स्टे हेल्दी। अगर हम बैलेंसिंग डाइट, हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आपका डाइट बैलेंस है तो आपका जो है हेल्थ क्या रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, आप काफ़ी एक्टिव रहोगे किसी भी चीज़ को लेकर, और माइंड भी आपका काफ़ी शार्प चलेगा। और देखिए, जो एक बार आप पढ़ोगे ना, वो बहुत अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठेगा। इसलिए डाइट का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है बेटा आपके लाइफ में। ठीक, वी मस्ट ईट फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ द फूड ग्रुप डेली। ठीक है बेटा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको ब्रेड के साथ फल को खाना, उसके बाद फिर किसी वीक में एक टाइम आपको नॉनवेज भी खाना बहुत ज़रूरी है। फिर डेली विटामिन्स के अकॉर्डिंग आप डाइट बैलेंस कर सकते हैं, अपना एक बैलेंस चार्ट बना लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने डाइट को बैलेंस करिए, यही इसमें लिखा है बेटा। और बाकी बेटा आगे हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, आज के डेट में इतना ही। और बढ़ते हैं बेटा इस क्लास को एंड करने के लिए, टाइम हो चुका है क्योंकि क्लास बहुत ही लंबा जा रहा है ना। और आज इतना ही, कल आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, और एक टॉपिक के साथ। बेटा एक दो टॉपिक और हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा। ठीक, तो आज के डेट में बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, गुड बाय।